अब आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से साधक इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी बने। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। साधन चतुष्टय कौन कौन है? विवेक, पता नहीं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु, ये साधन, चार साधन मिलकर के क्या बनते? साधन चतुष्टय। और इन साधन चतुष्टय से जो संपन्न है वही क्या है? ब्रह्म विद्या का अधिकारी। और ब्रह्म विद्या क्या है? यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा जो अक्षर ब्रह्म है, परमात्म तत्व, उसकी प्राप्ति हो होती है। वह विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है ना। तो उसके पहले ब्रह्म विद्या तभी प्राप्त होगी ना, नहीं तो श्रवण करते हुए भी श्रवंतो विभावो यम न विद्यु, सुनते सुनते भी उसको नहीं जान पाते, सुनते हुए भी नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि पात्रता का प्रथम संपादन नहीं किया। जैसे भूमि में बीज डालने मात्र से फसल नहीं उगती, तैयार नहीं होती है, प्रथम क्या करना पड़ता है? भूमि को फसल योग्य, कृषि योग्य बनाना पड़ता है ना। तो वैसे ही ब्रह्म विद्या तो तब प्राप्त होगी जब आप साधन चतुष्टय से संपन्न होंगे। तो ब्रह्म विद्या का श्रवण करते हुए भी यदि बोध नहीं हो रहा है तो साधारण सी बात है कि कहीं पर बंधा हुआ है। कहीं पर क्या है? बंधा हुआ है, राग बना हुआ है। तो पात्रता का संपादन नहीं हुआ है, इसीलिए तो पात्रता का संपादन हो, विवेक आए, वैराग्य बढ़े, षट संपत्ति अपने पास प्राप्त हो और तीव्र मुमुक्षुता जगे, उसके लिए आप लोग श्रवण कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी, है ना। प्रश्नोत्तरी जो मणि रत्न माला जिसका नाम है, और 100 प्रश्न इसमें आप लोग सुनेंगे और उनके उत्तर भी सुनेंगे। तो प्रथम तो प्रश्न हो गया क्या, ये जो संसार सागर है अपार है, और इस अपार संसार सागर में मैं डूब रहा। तो हे गुरुदेव, आप तो कृपालु है, करुणा के सागर है, और आप कृपा करके बताइए कि मैं किसकी शरण लूं। शरणम किमस्ति, किसकी शरण लेनी चाहिए? तो गुरुदेव बताते हैं क्या, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनो का, जो विश्वेश है, विश्व का जो ईश है, जो परमात्मा है, परमात्मा की कमल रूपी जो चरण है, उनकी जो दीर्घ नौका है, बड़ी विशाल नाव है, अविनाशी है। कैसी है? अविनाशी है। उसका ही आश्रय लेना चाहिए जिज्ञासु। संसार का आश्रय ना लेकर के किसका आश्रय लेना चाहिए? परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। तो परमात्मा के स्वरूप आपको बतला दिए थे,
सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप है, जो अत्यंत स्थूल बुद्धि है उसके लिए क्या है, सगुण साकार रूप से परमात्मा को का भजन करता है, और जिनकी थोड़ी सी मति सूक्ष्म है वो क्या देखते हैं, परमात्मा के सगुण निराकार स्वरूप को भजते हैं, और उनसे भी ज्यादा जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है, है? ऐसे ज्ञान मार्गी, ऐसे विवेक संपन्न जो साधक है वो अविनाशी ब्रह्म जो निरुपाधिक निरवयव है और जो क्या है निर्गुण निराकार है उसको भजते, और जिसको भजते हैं उसको पाते हैं, जिसको भजोगे उसी को तो पाओगे, धन को भजोगे तो किसको पाओगे, हैं? जैसे ये थी ना द्रौपदी, तो ये तपस्वी नहीं थी पूर्व जन्म में, और शायद उतनी सुंदर नहीं थी, तो इसको कोई पति नहीं मिला, है कोई से विवाह नहीं किया, तपस्या की इसने, है और तपस्या से जब कहते हैं जो इष्ट प्रसन्न हुए तब इसने कहा पति 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 के पति चाहिए, कहने लगे अच्छा पति चाहिए ना, कितने बार बोला है, है? तो पांच बार बोला तो पांच पति मिलेंगे, ठीक है, इसलिए क्या मिलेंगे पांच पांडव पति के रूप में मिले, अपनी जो हृदय की तीव्र पिपासा होती है ना, जो गहन कामना होती है ना, गहन संकल्प होता है ना, उस संकल्प के अनुसार ही तो सब कुछ होता है, संकल्प के अनुसार ही कर्म क्रिया होते हैं, उसके अनुसार ही फल प्राप्त होते, सब कुछ तो संकल्प से ही हो रहा है ना, है डॉक्टर बनता है संकल्प से बनता है, वकील बनता है संकल्प से बनता है, हैं? सब कुछ किससे हो रहा है, मकान बनाता है संकल्प से ही बनाता है, साधु बना है तो संकल्प से, गृहस्थ बना है तो संकल्प से, शरीर बन गया तो संकल्प से, हैं? जो पापी बन गया तो संकल्प से, संकल्प हुआ तभी तो पाप कर्म किया, पुण्यात्मा बना तो संकल्प से, हैं? और ब्रह्म हो गया तो संकल्प से, समस्त संकल्प विलय हो गए, हैं? तब क्या हो गया, सब संकल्प से ही, ये तप है, संकल्प क्या है, हैं? विचार संकल्प निश्चय, यही क्या है, यही तप है। अब जप करने से, किसी नाम का जप करने से क्या होता है, उससे तो संकल्प दृढ़ होता है और कुछ नहीं होता, वो भाव कहो, वो संकल्प कहो, विचार कहो, वो निश्चय कहो, वो निष्ठा को वो दृढ़ होती है, उसी के अनुसार सब भासने लग जाता है। श्रद्धालु को जो है वो संत दिखते हैं, और जो संसारी है उनको जो है निठल्ले दिखेंगे, हैं? अपनी अपनी वो है ना, नहीं? अब जैसे शंकर जी है तो किसी को तो क्या लगेंगे कि देखो कितने उपराम है, कितने उदासीन है, कितने आत्मा राम है, हैं? और दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हैं? कितना मूड है, वस्त्र भी नहीं पहन रखे, हैं? क्या कहेंगे, बिल्कुल ओगड़ है, प्रेत है, ऐसा कहेंगे। अपना अपना संकल्प है ना, उसी के अनुसार ही तो सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ संकल्प से ही है, हैं? मीठा खट्टा भी संकल्प से ही है, नहीं? हाँ, कई बार लोग कहते हैं खा रहे हैं करेला के इतना मीठा है, नहीं? हैं? खा रहे गुलाब जामुन, लेकिन क्या है, अरे ऐसी गुलाब बिल्कुल खट्टी, क्यों? क्योंकि समाचार ऐसा मिल गया, मन उदास है, मन उदास है, शरीर में रोग है, तो क्या होता है, चिंता लगी हुई है, गुलाब जामुन मीठा लगता है क्या, बताइए, लगता है, हैं? और केस भी जीत गए, बीमारी भी ठीक हो गई, और वो ऋण भी उतर गया, और रख दी सामने सूखे टिक्कड़,
फिर स्वाद आ गया ऐसा भोजन या तो तब किया था ऐसा है ना, नहीं तो किससे हुआ सब कुछ, सब संकल्प सब कुछ मन से ही, तो मन से ही तो चलता है ये, इस शरीर जो है ना मन के हारे हार और मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत, तो मन से ही है ना। हाँ तो देखो अब आप लोग आगे भी तो सुन लो, वहीं खड़े रहोगे क्या, तो अब दूसरा श्लोक आप लोग देखिए। बद्धो हि को यो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर् विषये विरक्ति, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहः तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति। ये जब हम 7 या 8 में पढ़ते थे ना, तब से प्रश्नोत्तरी याद है पूरी की पूरी है, क्यों हम लोग सुबह स्नान आदि करके, और नियम था यहीं पर बैठ करके तो ब्रह्मवेदी और ये की प्रश्नोत्तरी का पाठ करते सुबह 5 बजे से, है ना, सभी लोग बैठ कर, इसलिए पाठ करने से क्या याद होगी, पाठ करने से याद होती है ना। हम सभी सब स्तोत्रों का पाठ करते थे सायंकाल, आश्रम का दूध गरम कर दिया, दूध गरम हो रहा है आश्रम का, एक चूल्हे पे दूध रखा है, एक चूल्हे पे पानी रखा है, पानी उबाल दिया है गुरुजी के लिए, और साथ में स्तोत्र का पाठ चल रहा है। अब तो मैं देखता हूँ बड़ा विचित्र समय हो गया, अभी जैसे आरती करते हैं ना 5-6 मिनट की आरती करते हो, आवाज नहीं आती, और मैं आरती करता था वहां पे शंकर जी की अकेले ही, पूरे आश्रम में ऐसी आवाज गूंजे कि पड़ोसी तक सुनाई थी, और आश्चर्य भी होते थे 5 के 5 आरती करते ना, कभी कोई आगे बोल देते कभी पीछे, आरती तक याद है वो छोटी सी आरती, इतना देख देख करके बस आश्चर्य करता रहता हूँ, और क्या करना है, और तो कुछ नहीं करना है। उसमें भी भूल होती रहती है, भूल, और ये भूल क्या होती है, हम इस भूल को जानते ही नहीं कि भूल होती क्या है, भूल है, आश्चर्य होता है दुनिया को देख देख करके बस देखते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, और आश्चर्य करते रहते हैं। तो पाठ करते करते सारे स्तोत्र जहां तक हमें जो मिल गया, जो भी मिल गया स्तोत्र, कोई ऐसा नहीं था जो हमें कंठस्थ ना हो और हमें पता भी नहीं लगा, जैसे गीता जी है कब कंठस्थ हुई पता नहीं लगा, क्यों, शाम को 5 बजे तक पढ़े जो विद्यालय की पढ़ाई पढ़नी थी, उसके बाद थक गई, अब हमारा मनोरंजन क्या है, मनोरंजन यही है ऊपर अपना टहलते रहना छत पर और गीता जी की पुस्तक ले लेना, वो श्लोक पढ़ते चले जाना, सारी गीता याद होगी है, ऐसी सारे उपनिषद याद हो गए, हमने याद कुछ नहीं किया, केवल क्या किया, पाठ करते थे, पुण्य पाठ है, लघु कौमुदी, अब लोगों के लिए कंठस्थ करना बड़ा कठिन है, मैदान जीतना है बड़ा मैदान, करते ही नहीं कोई, इसीलिए हम 3 घंटे एक आसन में बैठ करके नियम से 5 बजे से 8 बजे तक लघु कौमुदी का पाठ कर देना है, 5 बजे सुबह ऊपर बैठ जाते और 8 बजे तक हो गई लघु कौमुदी का पाठ, हो गई लघु कौमुदी कंठस्थ, 3 सूत्र याद करना, 5 सूत्र याद करना, महाभारत मानते हैं लोग, हम 60-60 सूत्र याद कर देते, बात लगन की है, बात तपस्या की है, पुरुषार्थ की, हमें तो कुछ लगा नहीं, ऐसा कोई कार्य हमें नहीं लगा कि जो ये कहे कठिन होता है, हैं या कुछ क्या होता है, असंभव होता है, कुछ है कठिन, क्या कठिन है बताइए, कुछ कठिन नहीं, आपके अंदर में संकल्प हो, संकल्प हो, लगन हो, रुचि हो, कुछ भी नहीं है, सगुण साकार परमात्मा को पाना हो चाहे निर्गुण
अपनी आत्मा को ही ब्रह्म रूपता का अनुभव, सब कुछ बहुत सहज है। आपके संकल्प से लक्ष्य स्वयं पराजित हो जाता है। शत्रु सामने खड़ा हो ना, चेहरे से पता लग जाता है कौन जीतेगा। एक अंदर हौसला है, एक निर्भयता है, वो जा करके पटक देता है, और दूसरा डरा हुआ है, वो वैसे ही जानता है कि भाई इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, है? क्या होना चाहिए? संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मबल। और आत्मबल से ही तो सब कुछ है, है ना। बलहीनेन लभ्यो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, जो बलहीन है ना उसको इस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। बल कहाँ से आता है जी? बल आता है सत्कर्म से, सद्विचार से, सत्संगति से, सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से, सद्गुणों से। बल कहाँ से आता है? सद्गुणों से। अभी आपसे कुछ गलत काम हो जाए तो आप क्या रहेंगे? निर्बल हो जाते हैं ना, हृदय में नहीं हो जाते। झूठ बोला गया और आपका झूठ पकड़ा गया, वो व्यक्ति सामने आ गया तो क्या होता है ना? बल कहाँ से आया? संकल्प बल, समझ आया? सत्कर्म, सद विचार, सत संगति, सदगुण, इनसे क्या आता है? बल आता है। और जो बलशाली है ना उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बलहीन जो है आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन प्राप्त करता है? जो बलशाली, संकल्प बल जिसके अंदर, जिसके चित्त में कामनाएं डेरा जमाए बैठी है, विविध तृष्णा है, लोभ मोह स्वार्थ में है, वो निर्बल है। समझे सेठ जी? वो क्या है? निर्बल है वो। और जिसके चित्त में कोई कामना नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, वो क्या है? महाबलिष्ठ है। क्या है? महाबलिष्ठ। अब आप देख लो, कमजोर भी अपने को आप ही बनाते हो और बलिष्ठ भी है। अच्छी संगति, अच्छे ग्रंथ, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छा आचरण, इनसे क्या बन जाते हो? बलिष्ठ बन जाते हो। तो चलो देखो, वो तो बात इसलिए आ गई कि भाई ये याद हमें इसका पाठ करते थे। हो जाते हैं ऐसे? हाँ ऐसे ही याद होते हैं, याद नहीं होते। बिना दिमाग पे जोर डाले याद हो जाते हैं। सब भी सब उपनिषद आदि हमें तो यूं ही हो गए। हमें कभी स्मरण नहीं है कि हमने कभी उनको ऐसे जैसे लोगों को रटते हुए देखा, ऐसे कभी रटना पड़ा। रटते रटते भी रट नहीं पाते हैं, और रटे रटाए भी भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना। उसका कारण क्या है? जिसकी वृत्ति बिखरी हुई है ना, बात ये है, वृत्ति बिखरी होगी तो उसकी स्मरण शक्ति तो क्षीण होगी, संकल्प शक्ति क्षीण होगी। और जिसकी वृत्ति क्या है? एकाग्र है। जिसकी वृत्ति सिमटी हुई है उसके लिए कुछ भी नहीं, उसकी बुद्धि तो ठहरी हुई है ना। इसीलिए तो कहा है ना कि ये जो विविध जो कामनाएं हैं इनके द्वारा शक्ति क्षीण होती है, संकल्प शक्ति क्षीण होती है। अच्छा जी देखो, यहीं पर बद्धा ही कहा, बोलो, यह विषयानुरागी का वा विमुक्ति विषये विरक्ति कह वा अस्ति घोरः नरकः स्वदेहः कृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किम् अस्ति। का ही बद्धा, बंधा हुआ कौन है? आचार्य से पूछ रहा है शिष्य, क्या गुरुदेव बंधा हुआ कौन है?
कौन बंधन में, विषयानुरागी यह विषयानुरागी, जिसका चित्त विषयों में अनुरक्त है, जिसका चित्त विषयों में ही सुख मानता है, उनकी प्रीति करता है, निरंतर उनके ही चिंतन में सेवन में रक्षण में जिसकी वृत्ति लगी रहती है वो क्या है, वही बराबर वही बंधन। ये जो विषय है ये जीव को कोई रस्सी बांध करके गले में या हाथ पैर में थोड़ा जकड़ा हुआ है। जो विषयों का चित्त में जो राग है उसी से ही आपका चित्त बना हुआ। तो जो विषयों की जो प्रीति है वही क्या है, वही बंधन है, जो कि विषयों को सुखरूप मानता है। विचार करने पर क्या हो, ये विषय सुखरूप है या दुखरूप है, शांति प्रद है या अशांति प्रद है, बंधन रूप है या मुक्त रूप है, है जी कैसे है? है और ये जो विषय है दुख रूप है, एक तो बंधन रूप है, अशांति देने वाले हैं, और क्या होता है, हाँ इनके जो संस्कार है वो चित्त में क्या होते जाते हैं, दृढ़ होते जाते, उतना राग बढ़ता जाता है, और उसका फल क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि जननी, ये इसका फल है। हाँ? क्या फल है, जहां राग होता है वहीं पर तो दौड़ दौड़ करके जाता है ना आपका चित्त, और वहीं पर इंद्रिया, और वहीं पर आपका शरीर, सब कुछ कहाँ जाते हैं, जहाँ राग होता है, और वहीं पर आपका धन, सब कुछ कहाँ जाता है, जहाँ राग है। क्यों जी, जिस वस्तु में, विषय वस्तु में आपका राग है सब कुछ वहीं चला जाता है। जैसे गाड़ी में है तो गाड़ी में ही सब कुछ चला जाएगा, धन में है तो धन में ही सारा समय कहाँ जा रहा है, जैसे किसी का जुआ खेलने में है तो सब कुछ कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है, इंद्रिया कहाँ जा रही है, शरीर कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, सब कुछ कहाँ जा रहा है, सब कुछ वहीं पर जाता है ना। वैसे और ये जो विषय है, कौन कौन से विषय है, तो आपका जो है ना वो क्या बोलते हो कनेक्शन, वो कैसे ठीक जुड़ गया है? ये टावर कभी कभी पकड़ता है आवाज कमाए, एक जी है ये, आज तो 5G आ गया, इनको 1G वाला लगा पहला, तो 5G आ गया, वो 1G वाले ठीक है। जिसके 5G है ना उसके 5 दिमाग, 5 तरफ दौड़े रहेंगे, बिल्कुल वृत्ति भाग जाएगी, 5 शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय है। किनके ये 5 विषय, कौन सी इंद्रियों के, इसके प्रथम ज्ञान होता है, उसके पश्चात उसकी चित्त में इच्छा होती है, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्मेंद्रिया, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, ज्ञानेंद्रिया ही दे रही है ना लाला करके मन को, मन को जो सामग्री देती है वो कौन दे रही है। अब धन ना दिखे, धन का लोभ नहीं आएगा, आएगा क्या चित्त में, फिर उस धन को पाने की के लिए प्रयत्न कर्म होगा क्या, नहीं। तो पहले क्या होता है, ज्ञान होता है ना, ज्ञानेन्द्रिया है सामग्री ला ला करके दे रही है, किसको देती है, मन को ला करके। शब्द किसने दिया ला करके, श्रोत्रेंद्रिय ने शब्द ला करके दिया, किसको, मन को दिया, मन देवता को भोग लगा,
सबके सब किसको भोग लगाते हैं, मन देवता, मन देवता को भोग लाके ना, और उससे मन देवता क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, बहुत तकड़ा हो रहा है, और फिर व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। जिसका मन देवता मजबूत होता जाएगा, शिष्य बनने का मतलब तो यही होता है ना कि अपने मन को उतना कमजोर कर देना, बिल्कुल शक्तिहीन कर देना, वो मन को मार देना कि अब जो गुरु की आज्ञा हो, इच्छा हो, आदेश हो, उपदेश हो, उसको ही आत्मसात करना है, उसके अनुसार ही। अब मन देवता को क्या करना है, हाँ खुले उसकी तरह हो जाता है ना, खुला जो पशु है उसकी तरह हो जाता है ना, स्वच्छंद उद्दंड निरंकुश, हाँ उसका परिणाम क्या होता है, दुख पाता है बेचारा, क्या पाता है, दुख नहीं पाता है। तो इसलिए ये जो मन देवता को शब्द, ये जो विषय है किसने ला करके दिया, श्रोत्रेन्द्रिय भोग लगाओ मारा, मैंने कहते हैं बहुत सुंदर शब्द, क्या है बहुत सुंदर शब्द है, तो इसको मैं निरंतर सुनता हूँ स्वाद। अब वो सदा चाहिए मुझे, तो उसके लिए कर्मेंद्रियों से क्या करेंगे, कर्म करेंगे ना, कि भाई ये जो संगीत है या ये जो शब्द है या ये जो गायक है वो क्या है, वो मेरे पास रहे, हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करेंगे, धन धनादि का धन पहले अर्जन भी करेंगे फिर खर्च भी करेंगे उसी के लिए ना। तो शब्द एक ये विषय है, दूसरा विषय क्या है, स्पर्श, ये जो स्पर्श विषय है ये किसका है, त्वग इंद्रिय का, तो ये जो त्वग इंद्रिय है ना, त्वचा इंद्रिय, ये क्या करती है, स्पर्श इस विषय को, इसको ला करके भोग देती है, मन को, मन देवता पर भोग लगाती, लीजिए महाराज, और मन खा खा के क्या होता है, मोटा हो जाता है, तकड़ा हो जाता है, स्पर्श इस विषय, और इसका राग चित्त में बैठ जाता है, फिर मिल रहा है तो ठीक, और बिछड़ना जाए इसकी आशंका भय, और सदा मिलता रहे इसकी चिंता है, मतलब फिर क्या है, शुरुआत होना चाहिए एक बार, फिर तो गिरता ही गिरता, कि जैसे बताया था ना कि सीढ़ी से जैसे गेंद एक बार गिर गई तो फिर क्या होती है, वो वैसे ही है, ये मन जो है एक बार विषयों के इसमें पड़ गया ना, आस्वादन में, तो फिर ये इस दल दल में, इस खाई में, इस गर्त में, इस गड्ढे में, इस कुएं में क्या होता है, गिरता ही चला जाता है, और जन्म जन्मांतरों तक क्या होता है, कष्ट भोग होता रहता है, क्या भोग रहे हैं, हैं? अच्छा आप एक बात बताओ, सारे जीव क्या भोग रहे हैं, जो विवेक विचार से रहित है, सदगुणों से रहित है, वे सबके सब जीव क्या भोग रहे हैं, हैं? दुख और अशांति ही परिलक्षित होती है सबके मुख मंडल पर या नहीं, दुखी भोग रहे हैं, ये परिणाम किसका है, कि चित्त में क्या है, विषयों का राग, इसी कारण से चित्त अशांत है, इसीलिए मुख में, मुख मंडल पर क्या है, उदासी है, खिन्नता है, निराशा है, क्यों, क्योंकि भूख लगी है, भोजन मिला नहीं, मन में कामना है और विषय प्राप्त नहीं हुआ, भूख लगी है ना, पेट तो भर जाता है, मन का पेट नहीं भरता, भरता है क्या, हाँ भरता ही नहीं, इसलिए ये जो विषय है, स्पर्श विषय हो गया, फिर रूप विषय, ये क्या किसका है, चक्षु इंद्रिय, तो सुंदर सुंदर रूप इनको ला करके चक्षु इंद्रिय किसको भोग लगाती है, मन को भोग लगाती है, और मन क्या है, उसका में रस लेता है, उसका उसमें सुख मानता है, और उनकी प्राप्ति, उनकी संभाल है, उनका वियोग ना हो उसके लिए
चिंतन करता है, पुरुषार्थ करता रहता है, उनके राग बढ़ता चला जाता है, और राग होने से वो इस जन्म में भी उनका गुलाम और इनका गुलाम विषयों का क्या हो जाता है, गुलाम। विषय हमारे गुलाम है या हम विषयों के गुलाम है? क्यों जी, विषय आपके गुलाम है या आप विषयों के गुलाम है, ये पता है आपको? विषय के गुलाम बन जाते हैं ना, विषयों का गुलाम बनता चला जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, विषय हमारे गुलाम होने चाहिए ना, लेकिन होता है विषयों का गुलाम बनता जाता है जन्म जन्मांतरों तक। अब गुलाम को कहाँ सुख, चाहे आप एक बात बताओ, गुलाम को कहा ना कि सेवक सुख चह, ऐसे आता है, मान भिखारी धनपति यश्चह, सेवक सुख चह मान भिखारी धनपति न धनपति यश्चह धनपति यश्चह शुभ गति व्यभिचारी आ गया। सेवक सुख चह मान भिखारी धनपति यश्चह शुभ गति व्यभिचारी, क्या है, सेवक होके जो सुख चाहता हो, आराम से रहूं, अपने हिसाब से रहूं, फिर तू किस बात का सेवक है भाई, तू सेवक है, किस बात का सेवक है? सेवक का मतलब होता है स्वामी को सुख देना, इसलिए कहा ना सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य, सेवा धर्म का निर्वहन करना बड़ा कठिन है, योगी नाम अप्यगम्य, योगियों को भी अगम्य है, लेकिन सेवा ऐसी साबुन है, क्या करती है, सारे चित्त के जो मैल है ना उसको, अहंकार काम क्रोध लोभ मोह सबके सब क्या हो जाते हैं, सेवा धर्म अपना है। सेवा ऐसी साबुन है, देख लो आप, साफ कर देती हृदय को, अंतस को बिल्कुल निर्मल, सेवा तो सेवक सुख चह, सेवक होते हुए भक्ति का है ना, कि भक्ति का मतलब क्या है, तत् सुखे सुखित्वम, भक्ति का मतलब है अपना सुख नहीं, जिसकी भक्ति कर रहे उसके सुख में ही सुख का अनुभव करें, उसके सुख में सुख माने, अपना सुख ना। अपने शरीर को गर्मी लग रही है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो अपना सेव्य है उसको गर्मी लग रही है ना, तो अपने को गर्मी लग, इसलिए उस पर पंखा करता है, खुद पसीना पसीना है, लेकिन जो अपना सेव्य है उसको उसको गर्मी नहीं लगती, उसके सुख में ही सुख को जो मानता है, इसी को भक्ति का सातु परम प्रेम रूपा, ऐसे नारद भक्ति सूत्र में आया है, नारद भक्ति सूत्र में मुंडे को याद आ गया, नारद भक्ति सूत्र ही पढ़ लेते हैं, भक्ति भी पढ़ लेते हैं, चलो कभी देखेंगे, अभी तो यही चलेंगे, अब तो काफी समय, हाँ तो समझ आया, क्या क्या बताया, तत् सुखे सुखित्वम, जो अपना इष्ट है, जो अपना सेव्य है, जो अपना स्वामी है, उसके सुख में ही क्या करे, सुख का अनुभव करे, अपने सुख दुख से कोई मतलब नहीं, कठिन काम है ना सेवक होना, इसलिए सेवक सुख चहे मान भिखारी, भीख भी मांग रहा है, फिर क्या चाह रहा है, सम्मान चाह रहा है,
मांग रहा है, हाथ फैला रहा है और क्या चाहता है? मान चाहते हैं, मानवी मानविकार। धनपति यश्च, कोई धनी व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरा यश हो। कोई धनी व्यक्ति हो क्या चाहे? यश चाहे, तो कोई उसका यश करेगा क्या? हाँ यश, इसलिए यश पाने के लिए क्या करते हैं? दान करते हैं। धनपति यश पाने के लिए क्या करता है? दान करता है। अब यश पाने के लिए हो, पुण्य पाने के लिए हो, हैं, धर्म पाने के लिए, वो एक अलग विषय। लेकिन धनपति को यश नहीं मिलता ना, क्या कर, लोगों की धारणा होती है, सबकी धारणा यही होती है कि हमारा लिया हुआ है, हैं, ऐसी धारणा होती है ना, नहीं? कर्मचारी होंगे, 100 कर्मचारी, 1000 कर्मचारी, सोचते कि मेहनत तो हमारी है। जो तो धनपति होता है ना, उसको यश यश नहीं मिलता, निंदक होते उसके अधिकतर लोग, कैसे होते हैं? निंदक हो, निंदक होंगे। तो धनपति को यश चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाता है? दान, दान। उसी से ही उसकी यश बढ़ता है। यश किससे बढ़ता है? दान से यश बढ़ता है, ठीक है ना। दान का खूब प्रवचन करता हूँ जिससे लोग ज्यादा दान करें। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो करता ही नहीं हूँ कभी, जरूरत भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या बताया? और शुभ गति व्यभिचारी, कोई व्यभिचारी हो है? जो इंद्रिय संयम जो ना रखता हो, और वो क्या चाहता है कि मरने के बाद मेरी शुभ गति हो, तो होगी क्या? जिसकी व्यभिचार में निष्ठा है, जो कैसे मार्ग पर चल रहा है, कुमार्ग पर चल रहा है, तो उसके चित्त में शांति हो सकती है क्या? उसकी शुभ गति हो सकती है क्या? वो तो नरक गामी ही। व्यभिचारी की शुभ गति नहीं हो सकती, ये बताया। फिर आगे सारा कुछ बना करके और बताएंगे कि ये सब जो है साकी ध्यान नहीं आ रही है, साकी बीच में से आ गई ना, ये चौपाई ध्यान। ये सब दूध पाना चाहते हैं ऐसे कुछ करके, दूध चहे ये प्राणी ऐसे करके आया है, जो स्मरण नहीं आ रहा है बात यहीं पर रखो, यहीं से नहीं तो ये विषय छूटता ही चला जाए। कितने विषय हो गए? स्पर्श हो गया, फिर उसका रूप हो गया, फिर रस। ये रस जो विषय है, रसनेन्द्रिया, रसनेन्द्रिय क्या करती है? ला ला करके भोग लगाती है मन को, खट्टा मीठा चटपटा, क्यों जी? इसी में रहता है ना रस। अब रसनेन्द्रिय रस का आस्वादन करती है और उससे क्या होता है? इसका पेट भर जाता है क्या? मन का, इंद्रियों का पेट भरता है या और ज्यादा प्यास जगती है? और ज्यादा पिपासा, प्यास उत्पन्न होती है। हाँ, तो ये जो रस है इससे भी मन राग बढ़ता है, गुलामी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गुलामी बढ़ती है। कामना सारी गलित हो गई, मुक्ति ही। कामना गलित हो गई तो क्या है? मुक्ति ही है। और कामना जिसके चित्त में है वो क्या है? बंधन में ही बंधन में, गुलामी में, जन्म जन्मांतर होता। फिर है गंध, सुगंध दुर्गंध, ये जो है नासिका इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, क्या करती है? ला करके मन को भोग लगाती है। सुगंध, ऐसे सुगंध आ रही है, विविध तरह की, अर्थ दो है, इत्र केवड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, है सेंट छिड़कते हैं ना। हाँ, अब उसमें सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, अरे किस किस तरह के सेंट होते हैं, सुगंध थोड़े आती है, हैं, बड़ा विचित्र, दुर्गंध ही जैसा ही आता है, क्योंकि इसमें वो डाले रहते हैं, एसेंस बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, एसेंस, एसेंस, हाँ, कैसे कैसे।
तो ये पांच विषय और इन विषयों का जो राग है चित्त में, और इंद्रिया निरंतर क्या रहती है, चंचल रहती है, ललायित रहती है, मन भी अशांत रहता है। तो जीवन जीत जब तक जीता है तब तक भी अशांत दुखी, और मरने के बाद फिर ये संस्कार पड़े ही है, वो राग बनाई है, फिर वही अशांति, फिर वही क्लेश, फिर वही चंचलता विक्षेप बना रहे। तो ये जीव जो है ना बंधन बता रहे हैं, बंधन तो अज्ञान का है वास्तव में, लेकिन उससे पहला बंधन जो है ना, जो स्थूल बंधन है, वो विषयों का किसका है, विषयों का है। चित्त जो है विषयों का राग है ना चित्त में, उसके गलित हुए बिना अज्ञान हटने वाला नहीं है, उसके गलित हुए बिना अज्ञान नहीं हटेगा। और जो पहला बंधन जो विषयों का राग है ये छूट गया ना, तो समझो प्राय प्राय वो क्या है, मुक्त ही, 99% मुक्त कहते हैं हम। 1% स्वरूप बोध होने पर हो जाता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान के हटने पर हो जाता है। बड़ा बंधन तो क्या है, विषयों का राग। तो कौन बंधा है, जो विषयों का अनुरागी है। कावा विमुक्ते विषये विरक्ति, मुक्ति क्या है गुरुदेव, वो कहते विषये विरक्ति एव मुक्ति ही। विषयों से इंद्रिया और चित्त का विरक्त हो जाना, यही क्या है मुक्ति, यही क्या है मुक्ति ही है। जिसके चित्त में विषयों के प्रति अनुराग नहीं है, विषयों की कामना नहीं है, वो क्या है, वो तो मुक्त ही है। क्या समझो उसको, मुक्त से, उसको मुक्त ही समझो, क्या है वो मुक्ति है, मुक्त ही। क्योंकि यही तो कारण है इसके विक्षेप, इसकी चंचलता का, विषयों का राग, उनकी निरंतर तृष्णा, उनकी प्राप्ति, उनका रक्षण, उनका सेवन, इसके लिए ही निरंतर चिंतन करता है। यही क्या है, यही बंधन है। और विषयों से विरक्त हो गया, यही क्या है, यही अज्ञान का बंधन। तो यो हट जाए, जो वैराग्य संपन्न है ना, वैराग्य इसको बढ़ाना है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, ये प्यास जगानी है ना जी, उसी के लिए सब छोटे छोटे जो ग्रंथ है ये आरंभ होते हैं, आपको धनी बना रहे हैं। वैराग्य धन से जो युक्त है उसके बराबर कोई धनी नहीं। वैराग्य में वा भयम, क्या बोले भरतरी हरिजी महाराज, कहते सबका सब भय रूप है, भय प्रद है, वैराग्य ही वास्तव में अभय रूप। तो वैराग्य से बड़ा कोई धन है क्या, वैराग्य में सब आ गए, राग रहित होना। वैराग का मतलब क्या है, राग रहित होना, विगत राग वैराग, राग गलित हो गया। तो वैराग्य में संतोष है, धैर्य, सहिष्णुता, सरलता, ये सब आ गए, निश्चलता, निष्कपटता, निर्लोभ, सब कुछ आ गया किसमें, वैराग्य में सब आ गया। तो वैराग्य की पूंजी संपत्ति जिसके पास है ना, उससे बड़ा धनी, उससे ज्यादा आनंद में। अभी महात्मा लोग जो हमारे भारत में
भूमि पर स्वच्छंद विचरण करते रहे। अब तक जो ज्यादा परंपरा रही विरक्त परंपरा ज्यादा रही है, साधु के पास एक लंगोटी है और इतना वैराग्यवान, सबसे ज्यादा धनी, पास कुछ नहीं है लेकिन है क्या, सबसे ज्यादा संपन्न, सबसे बड़ा सेठ है, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ कुछ चाहिए ही नहीं, तो उससे बड़ा सेठ कौन होगा, उससे बड़ा सेठ कोई है, सबको चाहिए, किसी को पद चाहिए, प्रशंसा चाहिए, यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, धन चाहिए, है अमुक ये विषय चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये पदार्थ, ये प्राणी चाहिए, ये परिस्थिति चाहिए, अनुकूल परिस्थिति हो गए, ये चाहिए, वो चाहिए, और जिसको कुछ भी कुछ नहीं चाहिए उससे बड़ा सेठ कोई है। इसीलिए जो गरीब लोग हैं किसके पास आते हैं, सेठ के पास। गरीब लोग किसके पास आते हैं, संसारी सब गरीब है और साधु क्या है, है सेठ है ना, कि महाराज आप बड़े सेठ हो तो आप क्या करो, कुछ थोड़ा सा धन हमें भी दे दो, जिससे कि हम भी क्या हो जाए, सेठ हो जाए, हम भी सेठ हो जाए। धन क्या, विवेक का धन, वैराग्य का धन, भक्ति का धन, ज्ञान का धन, यही क्या है, कहते आप बड़े धनी हो हमें दे दो हम भी धनी हो जाएंगे। वीरा ने यही तो कहा, राम रतन धन पायो, खर्चे ना कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने, वीरा धनी हो गई। धनी कोई बनना नहीं चाहता, सब गरीब बनना चाहते हैं। जो इस धन के पीछे दौड़े वो क्या होता है, सांसारिक धन के पीछे जो दौड़ता है कोई भी हो, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थी हो, वो क्या होता जाता है। और जो भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, साधना, संयम इस धन के पीछे दौड़ता है वो क्या होता है, सेठ हो जाता है ना, उससे बड़ा सेठ नहीं। तो विषयों से विरक्त हो जाना, यही क्या है, यही विरक्त मुक्ति, समझा, मुक्ति। को वास्ति घोरो नरक स्वदेह, हे गुरुदेव कृपा करके बताइए घोर नरक क्या है, क्या पूछा है, घोर नरक क्या है। स्वदेह अपना जो ये शरीर है ना, यही क्या है, घोर नरक है। अच्छा एक बात और समझ लो, ये जो सत्संग है जो आप श्रवण कर रहे हैं, किनके लिए है, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जो संसार पाना चाहते उनके लिए नहीं है, जो परमात्मा अविनाशी पद को पाना चाहते उनके लिए, ठीक है। इसलिए जो संसारी है, संसार को जो चाहते हैं उनके लिए नहीं, ब्रह्म विद्या के द्वारा परमात्म प्राप्ति और ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए साधन संपन्नता, और साधन संपन्नता पाने के लिए ये जो सत्संग, ये विचार, ये सब किनके लिए है, मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए है, संसारियों के लिए नहीं। तो यहां पर तो सब बातें किसकी बताई जाएंगी, जिज्ञासु विरक्त होने की किसकी बताई जाएगी। तो अपना ये जो शरीर है जिसको दिन भर क्या करता है, सजाता है, संवारता है, ये शरीर घोर नरक है। ये शरीर क्या है, घोर नरक है, घोर नरक है। क्यों घोर नरक है, इसमें भरा क्या है, इस शरीर में सब मल ही मल भरा हुआ है, समस्त द्वारों से क्या निर्गत होता है, मल ही निकलता है ना सब द्वारों से निरंतर। तो ये शरीर वास्तव में घोर नरक हुआ। और दूसरा,
शरीर रहता है उस शरीर का बंधन कितना है, कितना नरक दिखाता है शरीर, कभी भूख कभी प्यास है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी आदि कभी व्याधि है, कभी वस्त्र कभी आभूषण कभी छत है, तो ये सब किसके लिए है, शरीर के लिए है ना। बैठने देता है क्या शांति से, ये शरीर बैठने देता है नरक रूप हुआ ना है, बैठे थे शांति से भूख लग गई प्यास लग गई गर्मी लग गई बुखार हो गया, बैठने देता है, करते रहो इसकी सेवा, सेवा इसी की सेवा में लग रहता है ना, क्यों जी, इसी की सेवा में पूरा जीवन बीत जाता है शरीर की सेवा में, तो नरक रूप या नरक रूप ही हुआ ना, शांति से बैठने दिया, शांति से बैठने दिया क्या, हर समय चिंता करता है किसकी, इसी की तो कर रहा है, भविष्य की चिंता किसकी है, सब चिंता इसी की कर रहा है, यानी क्या क्या करता है शरीर के लिए, पेट भरने के लिए जीने के लिए, तो ये जो शरीर है ये क्या हुआ, घोर नरक रूप, बहुत नरकों के वर्णन आपने सुने होंगे, लेकिन ये शरीर ही घोर नरक है, इसमें क्या है, आप कैद हो गए हो अपने संकल्प अपने राग और अपने कर्मों के कारण, क्या हो गए, शरीर रूपी कारागृह में कैद हो गए ना, कैसे कैद हो गए, अपना ही संकल्प अपना ही राग और अपने ही कर्म, उनके कारण से हमें शरीर मिलता है, शरीर किस लिए मिला है, शरीर किसने दिया है, अपने पाया है, बाजा बज रहा है बीच कथा में, छोटा बात, हाँ जी, ये जो शरीर है शरीर धारण, शरीर मुझे प्राप्त हो ऐसा संकल्प भी, शरीर प्राप्ति निमित्त जो कर्म है वो भी सब किसके किए हुए हैं, आपके किए हुए ना, मुझे शरीर प्राप्त हो है ऐसा जो विचार है, हैं शरीर पा करके मुझे ये भोग प्राप्त हो, ये भी है, और उन सब के लिए शरीर पाने के लिए और विषय वस्तु पाने के लिए जो कर्म किए हैं वो भी आपने किए, अब किया हुआ सब स्वयं है, जैसे मकड़ी है ना मच्छर को फंसाने के लिए क्या करती है, और फंस जाती है ना, स्वयं उलझ जाती है, वैसा ही है ये जो संसार है ना, ये किसने रचा, ये संसार शरीर आपने रच दिया है विषय भोग के लिए, इसलिए विषयों में रस लेने के लिए, और हुआ क्या, सुलझा लो, क्या करोगे, जल्दबाजी करोगे तो उलझता है, बहुत शांति से धैर्य पूर्वक इंद्रियों को विषयों से सुलझा लो, मन को विषयों से सुलझा लो, माया अज्ञान से अपने बुद्धि को क्या करो, सुलझा दो, क्यों सुलझ गया, सुलझ गया बस ठीक है, और क्या कुछ और होगा, कुछ और होगा क्या, सींग पूंछ थोड़े ही आ जाएंगे, या उसके सर पे मोर पंख निकल आएंगे हैं, या वो बांसुरी सुंदर बजाने लगेगा, ऐसा कुछ थोड़ा है, क्यों जी, ठीक है, वो सुलझा लेगा तो सुलझ गया, शांत है आनंद में, तो ये अपना शरीर ही क्या बताया, घोर नरक है, घोर नरक रूप ये शरीर है, किसके लिए, साधक के लिए, संसारियों की बात नहीं है, संसारी क्या बोलते कि संसारी प्लीज इसको न सुने,
साधक की बात, साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए बंधन रूप घोर नरक रूप अपना ये शरीर। कृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग का पद क्या है जी, स्वर्ग क्या है? कृष्णाक्षय, समस्त तृष्णाओं का क्षय हो जाना, यही क्या है स्वर्ग। जब चित्त में कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो कोई राग नहीं, तो क्या है? अब स्वर्ग कहो, व्यवहारिक स्वर्ग नरक में मत ले जाना। यहाँ पर स्वर्ग से अभिप्राय है सुख, जहां पर दुख ना हो। अब मुक्ति और स्वर्ग एक ही हुआ ना, जो मुक्ति पद कहते हैं। मोक्ष, मोक्ष भी क्या है? दुखों से मोक्ष, बंधन से मोक्ष, अशांति से मोक्ष। मोक्ष और स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब समझ आया? दुखों से, यहाँ पर दुख नहीं है, सुख ही सुख, स्वर्ग। स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? क्या है स्वर्ग? तृष्णाक्षय, कोई तृष्णा नहीं। बताइए, न चोर का डर, न डाकू का डर, क्यों जी? जिसके चित्त में कोई तृष्णा नहीं, जिसके पास कोई संग्रह नहीं, तो जिसके पास संग्रह है उसको अपने सबसे समीप वालों का डर, चोर डाकू ठग लुटेरे अड़ोसी पड़ोसी संबंधी है, शत्रु मित्र, उनके तो डर है ही है, लेकिन जो अपने सारे राजाओं को, उनके जो भी होते थे ना सेवक विवक, ये मंत्री मंत्री वही होते थे, वही मारते थे, और वही जो है स्वयं राजा बन जाते, चलता है ये तो चलता है। सिर्फ राजाओं का जीवन सबसे सबसे छोटा हो, राजाओं का जीवन कभी हुआ है क्या? हाँ, आता है ना कि भूपति दीर्घ जीवी, तो राजा और जीवन लंबा भी मिल जाए, ऐसा भूपति की तो उम्र जो है ना वो थोड़ी होती है, भीष्म जो है जीते रहे, और भीष्म के सामने सामने है? राजा जितने थे सब उनके भाई चले गए हैं, उनका भतीजा पांडु वो चला गया, राजा था ना है, और दुर्योधन आदि उनके सामने चले गए लड़ते लड़ते, अभिमन्यु आदि चले गए, तो कौन गए? राजा गए ना है। श्री कृष्ण बड़े समझदार थे, राजा नहीं बनना है। श्री कृष्ण जो थे ना कि हम राजा बनने वाले नहीं, हम तो बनाने वाले हैं। इन लोग कहते हैं ना कि हम चुनाव लड़ते नहीं, हम क्या करते हैं? चुनाव लड़ेगा हारेगा, वो जीतेगा वो, और जो लड़ नहीं रहा है वो है ना, जीत गया तो बढ़िया, और हार गया तो अपनी सेहत पे क्या। ऐसा है, तो राजाओं का जीवन लंबा नहीं, सीमित हो जाता है, क्योंकि सब शत्रु बन जाते हैं, धन के पद के ग्राहक तो क्या है, सभी है ना, तो इसलिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जिसके चित्त में कोई तृष्णा नहीं, वो क्या है? स्वर्ग में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? स्वर्ग में बैठा है। और जिसके चित्त में तृष्णा है वो क्या है? नरक ही भोगता है। इतने सुंदर सुंदर ये प्रश्न हैं, इतने सुंदर सुंदर इनके उत्तर हैं। ये सत्संग तभी तो का है ना, ये तो ऐसे शीतलता और शांति को देता है, और जो मोक्ष अविनाशी परमात्मा को पा लेता है, ये सब क्या है? ये सत्संग की गंगा की कहो महिमा है, या सत्संग की जो ये मिठाई है, है? उसका स्वाद है, इसी का स्वाद है ना। देख लीजिए, मैंने अच्छा बता दिया कि तृष्णा का क्षय ही मोक्ष, समय तो आपका हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम सोचते हैं कि चार पांच श्लोक हो उसका लाभ क्या मिलेगा, पता है?
लाभ ये होगा कि ज्यादा जल्दी जल्दी आपके ग्रंथ होंगे और ज्यादा ग्रंथ देख पाओगे, और ग्रंथों में सब में यही क्या भरा हुआ है, वे मिठास है, मीठे मीठे है सब है? सारे जितने ग्रंथ है सब में क्या है, बहुत से ज्यादा मीठा, बहुत से ज्यादा रसीला, बहुत से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं। हाँ, लेकिन बस आदत हो जाती है कुछ तो, जैसे आम खाते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, 5-7-10 खा लेते हैं, कुछ लोग हैं एक ही खाते हैं, लेकिन अब पेट भरने का तो कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब तो किससे, स्वाद से है हाँ? क्यों जी, वैसे ही है भाई, स्वाद ले रहे हो आप लोग, तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी कल देखें, ठीक है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य